नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज मैं बना रही हूँ यहाँ पे 34 साइज का कटोरी ब्लाउज, कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही आप देख सकते हो। ये मेरे पास 80 सेंटीमीटर का फैब्रिक है और आज हम डायरेक्टली कपड़े पे कटिंग करेंगे। कटिंग और सिलाई दोनों कपड़े पे करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको कटिंग सिखाएं या स्टिचिंग सिखाएं, इससे पहले आपको एक निवेदित करना चाहूंगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। उसके बाद में जो बेल का आइकन है ना, जो घंटे का एक निशान आता है, उसको भी आप ओके कर लीजिए। उससे क्या है कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जब भी हमारी वीडियोस पोस्ट होगी। अगर आपके पास आधे नोटिफिकेशन पहुंचेंगे, आधे नहीं पहुंचते हैं, तो आप हमारी सारी वीडियोस वॉच नहीं कर पाएंगी। फिर हम जो अपलोड करते हैं वो आपकी समझ में नहीं आएगा। पूरा अच्छे से साइज वाइज यहाँ पे अपलोड होता रहता है और हर दिन एक अच्छी यूजफुल वीडियो अपलोड होती है, तो आप उससे वंचित रह जाएंगे। तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा तो आप उसे खोलेंगे, देखेंगे और आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा और बेल आइकन को, घंटी का जो आइकन है उसको क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब सबसे पहले क्या करेंगे ब्लाउज की कटिंग करने के लिए, मैं देखिए यहाँ पे सबसे पहले इस तरह से फोल्ड करेंगे। 34 साइज का कटिंग करना है तो ये पार्ट्स हमें 6 साढ़े 8 प्लस आधा इंच 9 इंच और फिर 2 इंच 11 इंच की हमें ये फोल्डिंग चाहिए डबल के अंदर। तो हम देख लेते हैं कि हमने 11 इंच यहाँ पे फोल्ड कर लिया है क्या। तो अभी आप देख सकते हो ये 11.5, इसको भी आधा इंच कम कर लेंगे क्योंकि देखिए ज़्यादा होगा, ये 11.5 है ना, बिल्कुल हमें 11 इंच चाहिए। तो जितना फैब्रिक हम बच्चा करके बराबर ले करके चलेंगे उतना ही हमारे लिए फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अब पूरा 11 इंच है ना, तो हमें 11 इंच इस तरह से देखिए आप डबल फोल्ड कर लेना है। अब डबल फोल्ड करने के बाद इसको एक इस तरह से घड़ डाल लेते हैं, हो गया ना। अब इसको 4 फोल्ड में फोल्ड करना है। तो अब आप देख सकते हो कैसे 4 फोल्ड हो गया, 2 फोल्ड नीचे गई, 2 फोल्ड ऊपर आ गई और इस तरफ ये जो साइड है ये वाली ये फोल्डेड साइड आ गई है। अब आपको अच्छे से दिखाई भी देगा और आपकी पूरी कटिंग समझ में भी आएगी। अब कपड़े पे कटिंग कर रहे हैं, डायरेक्टली ही कटिंग कर रहे हैं, तो क्या करना होगा, सबसे पहले आगे के पार्ट्स को सिलाई के जितना, ये 2 क्रॉस पट्टी और ऊपर तीरे का पार्ट्स हम जो ज्वाइंट करेंगे ना, वो सिलाई का हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो आप देख सकते हो नीचे का पार्ट छोटा होगा और ऊपर का इस तरह से बड़ा, ठीक है। अब इसको इस तरह से वापिस अच्छे से फोल्ड कर लेते हैं। अब हम डायरेक्टली इस पे कटिंग करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम नीचे की फोल्डिंग पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे एक बात और ध्यान रखने की होती है दोस्तों कि जब भी हम मार्किंग करें, इसकी ड्राफ्टिंग करें, तो हम कपड़े को पलट लें, ऑन साइड पे ना करें, ऑफ साइड पे करें, ठीक है। आप यहाँ से हमारी ब्लाउज की लेंथ तैयार होगी। यहाँ पे मुझे इस ब्लाउज की लेंथ 14 इंच ही है, 14 इंच ही है। तो आप देख सकते हो इसमें कितना एक्स्ट्रा है, 1 इंच एक्स्ट्रा है और 1 इंच एक्स्ट्रा वो सीम में चला जाएगा। जैसे हम क्रॉस पट्टी इसको ज्वाइंट करेंगे, ऊपर की जो स्टिचिंग आएगी तो उसमें चला जाएगा। तो ये तो नीचे की फोल्डिंग है, इसकी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और अगर आपको 15 इंच तैयार चाहिए तो आप जो ये नीचे की फोल्डिंग है अलग पट्टी स्टिच कर सकते हो। अब सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे शोल्डर यहाँ पे मैं ले रही हूँ 5.25 इंच 34 साइज की, क्योंकि यहाँ पे मीडियम नेक है ना, डीप नेक है और ना ही ब्रॉड नेक है और नॉर्मल नेक है, ठीक है। नेक की चौड़ाई ले रहे हैं हम यहाँ पे 2.5 इंच, ये हमारे नेक की चौड़ाई हो गई। यहाँ पे हम गला लेंगे 5.5 इंच, इससे ज़्यादा कटोरी ब्लाउज में गला ना लें, ताकि आपको ब्लाउज परफेक्ट बनाना हो। तो यहाँ पे गले की मैंने ड्रॉ कर दी है, आगे के लिए की है, पीछे के जो ड्रॉ है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। यहाँ पे फिर 5.25 का पॉइंट लगाएंगे और आर्मोल लेंगे हम 5.5 इंच। तो ये मैंने 5.5 इंच आर्मोल पे पॉइंट लगा दिया है। इसको इस तरह से स्टिच करेंगे, फिर यहाँ से हम इसको इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे होगा चेस्ट का 4th पार्ट यानी 8.5 इंच, ठीक है। 8.5 पे पॉइंट लगा दिया है, 2 इंच हम लेंगे मार्जिन का, ये हो गया हमारा मार्जिन। मार्जिन होता है ना, ब्लाउज को लूज या टाइट किया जा सकता है, अगर रखा हुआ ही नहीं होगा तो क्या होगा। तो यहाँ से हम लेंगे 0.25 इंच पे एक पॉइंट लगाएंगे और इस पॉइंट्स को आपको इस तरह से ऊपर तक ऐसे मिला देना है, फिर इसको इस तरह से ले जाते हैं नीचे में ऐसे मिला देना है। ये हमारे आगे का शेप हो गई है, गुल्लाई हो गई है। पीछे के लिए ये इस पॉइंट पे रखेंगे और 0.5 इंच पे एक पॉइंट और लगा देंगे और फिर इस पॉइंट को हम इस तरह से यहाँ तक लास्ट मिला ही देना है। इसके बाद का जो स्पेस है वो बिल्कुल बराबर रहना चाहिए आगे पीछे के सारे पार्ट्स के अंदर, तो हमारी जो फिटिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट रहती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने बैक साइड की जो
वो भी ड्रॉ कर दी है। अब यहाँ पे हम करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या होता है, टक्स पॉइंट लेते हैं। यहाँ पे इस साइज के अकॉर्डिंग टक्स होगा 9 इंच पे, ये मैंने 9 इंच पे टक्स पॉइंट लगा दिया। कटोरी की कटिंग कितने करेंगे, तो चेस्ट का थर्ड भाग लीजिए, चेस्ट का थर्ड भाग आएगा लगभग यहाँ पे 11.5 इंच, 34 के लिए 11.5 इंच, 11.5 इंच, ठीक है। अब इसमें हम 11.5 इंच, क्योंकि हम कटोरी ब्लाउज बना रहे हैं तो 1/4 इंच कम कर देते हैं, 11 इंच पे हम पॉइंट लगा देते हैं, बस इतना ही हमें लगाना है। सीम का जो होगा ना दोनों का, वो आप देख सकते हो यहाँ पे भी, तो मैंने नीचे एक्स्ट्रा लिया हुआ है बिग साइड के अकॉर्डिंग, जो यहाँ का है वो, ये जो स्पेस है ना इतना, ये वाला यहाँ का स्पेस है, और ये नीचे क्रॉस पट्टी में रहेगा हमारे। तो ये मैंने 11.5 इंच पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया है, इस लाइन को हल्का सा यहाँ पे गोलाई लगा देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसकी कटोरी की साइज लेंगे 5.25 इंच, और यहाँ से भी हम पॉइंट लगाएंगे 5.25 इंच पे, यहाँ से हम पॉइंट लगा देंगे 2.25 इंच पे, और फिर आप इसको इस तरह से नेक में मिला दीजिए। ये तो निकलेगा देखो वेस्टेज पार्ट्स, इसकी मैं आपको ओरिजिनल कटोरी की कटिंग करना भी कपड़े पे बता दूंगी, क्योंकि ये हमारा सारा कपड़ा वेस्टेज जाएगा, हम इसको गले की ओर की जो पट्टी बनाएंगे उसमें यूज कर लेंगे। यहाँ पे कमर होगी 30 इंच, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 1 इंच डाट का एक्स्ट्रा, इसलिए 7.5 और 1 इंच 8.5 इंच पे, और फिर इसको हम इस तरह से मिला देंगे इसमें ऊपर वाले पॉइंट में, फिर 2 इंच का मार्जिन लेंगे और मार्जिन को इस तरह से मिला देंगे मार्जिन की लाइन में। तो ये तो हमारा आगे के हिसाब से ड्रॉ हो गया है। बैक साइड का पार्ट हम साथ में कटिंग करें, आप देख रहे हो नीचे बैक साइड का पार्ट है, तो कटिंग कैसे करेंगे, देखो ये वाला नेकलाइन इस तरह से उठा करके आगे का नेकलाइन कटिंग करेंगे, फिर शोल्डर पॉइंट को कट करके बैक साइड के ये आर्मोल है ना इसके अकॉर्डिंग कटिंग करेंगे, फिर ये मार्जिन साइड की लाइन कटिंग कर लेंगे। तो आपने देखा जैसे मैंने आपको बताया वैसे यहाँ पे कटिंग कर लिया है, इस तरह से कटिंग हो गया है। इसको भी अलग कर देते हैं, इसको भी अलग कर देते हैं। अब पहले ऊपर वाले पार्ट्स की कटिंग कर लेते हैं, इसको हम साइड में कर देते हैं, बिग साइड के पार्ट्स को, बिग साइड का पार्ट्स अलग हो गया, एक पार्ट्स ले लेते हैं, इसके इस पार्ट्स को हम अलग कर लेंगे। ये हमारी नीचे की क्रॉस पट्टी हो गई है, क्रॉस पट्टी दोनों जॉइंट है यहाँ से, तो इसको खोल लेते हैं और यहाँ पे हम इस ये शेप लगाएंगे और ये पार्ट्स अलग करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने दोनों पार्ट्स कटिंग कर लिए हैं, शेप भी कटिंग कर लिया और ये भी कटिंग कर लिया, ठीक है। अब हमारे ये देखिए बैक साइड का पार्ट्स तैयार करना, आगे का पार्ट्स हो गया है, बैक साइड के पार्ट्स को लेंगे, बाकी आर्मोल बिल्कुल सही है, फिटिंग पॉइंट बिल्कुल सही है, सिर्फ नेक कटिंग करना है और पीछे की जो ये डाट होती है वो ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले नेक के लिए लेंगे, यहाँ पे नॉर्मल नेक है, नॉर्मल नेक कितना होता है, नॉर्मल नेक होगा जैसे 8 या 8.5 इंच, यहाँ पे हम 8.5 इंच कर रहे हैं, बस ये नॉर्मल नेक है, और नेक की चौड़ाई यहाँ पे आप देख रहे हैं बिल्कुल 2.5 इंच है। तो इस नेक को आप इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए, ये हमारा नॉर्मल नेक ड्रॉ हो गया, इसकी हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे ये आप साथ में कटिंग करें, ये दोनों जो होती है ना पट्टियों लगाने में काम आती है, एक हुक पट्टी एक आई की पट्टी, दोनों बिल्कुल बराबर की चौड़ाई में होती है, लगभग 3-3 इंच की, 2.5-2.5 इंच की, सॉरी हाँ 2.5-2.5 इंच की चौड़ाई में होती है। तो 1 इंच की हमें पट्टी चाहिए, तो वो 1/2 इंच सिलाई में चली जाती है, 1 इंच की ये पट्टी रह जाती है, हुक और आई की पट्टी लगाने में काम आती है। यहाँ पे बैक साइड का अब जब आपको लगाना हो डाट, तो 3.5 या 4 इंच पे आप इसको इसे ड्रॉ करें, और जितना आपको लंबा नेक लाइन से नीचे नीचे इसको ऑफ कर दें। तो यहाँ पे हम लगाएंगे 1 इंच की डाट, तो ये हमारी डाट होगी यहाँ इस तरफ और इस तरफ, और इसको हम इस सेंटर पॉइंट में इस तरह से मिला देंगे। तो ये हमारे बैक साइड का पार्ट्स हो गया है कम्प्लीटली तैयार। यहाँ पे आप देख सकते हो ये 1 इंच की डाट निकालने के बाद में ये हो गया 7.5+1 इंच, ये वाला 8.5 इंच, और यहाँ से भी आप देख सकते हैं ये हो गया 8.5 इंच, फिर 2 इंच का मार्जिन हो गया, बिल्कुल बराबर है। बैक साइड का नेक लाइन कटिंग कर लेते हैं। तो अब हम कटोरी की कटिंग आपको बताएंगे सबसे पहले, उसके बाद हम बाजू की कटिंग करेंगे लास्ट के अंदर। देखिए क्या होता है दोस्तों, लोग गलती कर बैठते हैं और बाजू जो है आडी कटिंग कर लेते हैं। हमें बाजू को ये जो किनारी है ना इस साइड में हमारी बाजू की लेंथ होनी चाहिए, कपड़ा हमारे पास इतना ही फैब्रिक बचा है, इसी में हमें अपनी जो कटोरी है ये वाली कटिंग करनी है।
ठीक है ना। तो अब हम कटोरी की भी कटिंग करेंगे और बाजू की भी कटिंग करेंगे। तो बाजू की कटिंग करने के लिए देखिए, ये जो पार्ट्स आपका अरमोल से निकला है ना, ये वाला अरमोल साइड से निकला है, तो इस पार्ट्स की जगह में ये लंबाई हो गई हमारी बाजू की। इस तरह से इसको फोल्ड कर लें कपड़े को। अब आप देख सकते हो अच्छे से फोल्ड हो गया ना, ये फोर फोल्ड में है और आगे की साइड में इसकी फोल्डिंग भी हो जाएगी। अब मुझे यहाँ पे बाजू की लेंथ टोटल 4 इंच की तैयार करनी है। 4 इंच के अंदर आप 2.5 इंच प्लस कर दें तो 6.5 इंच टोटल आपको लेंथ लेनी होगी, आगे की फोल्डिंग की सिलाई की सब ऐड हो जाती है। 2.5 इंच की करने के बाद में आप यहाँ से ऊपर से 2.5 इंच पे एक पॉइंट लगाइए, फिर आप 2.5 से 3 इंच नीचे एक पॉइंट और लगा दीजिए, 2.5 इंच या फिर 3 इंच नीचे तक एक पॉइंट लगा दे सकते हैं। ये हमारा होगा आर्म होल पॉइंट। आर्म होल इस साइज के अकॉर्डिंग कितना होगा देखिए कैसे नापा जाता है। आर्म होल साइड, आर्मोल साइड लेते हैं हम आगे के पार्ट्स के अकॉर्डिंग। आगे का ये जो हमारा पार्ट्स होता है ना, इसके अकॉर्डिंग आर्मोल जांचते हैं, यहाँ से लेकर फिटिंग पॉइंट से और यहाँ तक नापते हैं। तो ये होगा लगभग 7 या फिर 7.25 इंच। 34 साइज के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पे चलिए हम कुछ एक्स्ट्रा ले लेते हैं, 7 आ रहा है 7.25 ले लेते हैं। हमारी जो बाजू बिल्कुल भी छोटी नहीं होनी चाहिए, आर्मोल के अंदर फंसनी नहीं चाहिए, टाइट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छी परफेक्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 7.25 पे आप देख सकते हो पॉइंट लगा दिया है और इसको इस तरह से फोल्ड कर लिया है। ये हमारा एकदम परफेक्ट पॉइंट हो गया 7.25 का। और अब 2 इंच के लगभग बराबर सा ही मार्जिन हमारा यहाँ पे रहेगा। तो ये मार्जिन तो हमारा इस तरह से आएगा, 2 इंच जो है ना ये इस तरह से जाएगा ये, ठीक है। ऐसे कैसे जाएगा देखिए, ऐसे ऐसे जाएगा ये, इस तरह से हम इसको इस पॉइंट में मिलाते हैं। जो हमारा पॉइंट होता है ना मेन, वो उसको हम इस तरह से मिला देते हैं। अब बोटम्स लेंगे, बोटम्स है यहाँ पे 11 इंच, 5.5 पे पॉइंट लगा दिया, फिर 2 इंच मार्जिन का पॉइंट लगा दिया। अब इस पॉइंट्स को हम इस पॉइंट्स में मिलाएंगे आर्मोल पॉइंट में, मार्जिन को मार्जिन पॉइंट में ऐसे मिला देंगे। ये तो हमारी बाजू का ड्रॉ हुआ अभी। आगे का जो शेप होता ना, वो यहाँ से हम लगभग 1.25 इंच का एक पॉइंट लगा देते हैं और 1.25 इंच के पॉइंट को इस तरह से इसमें मिला देते हैं। और फिर इस पॉइंट्स को हम कहाँ तक लेंगे, जैसे ये टोटल इसकी लेंथ है 8 इंच, 4 इंच के अंदर अंदर हमें इस पॉइंट्स को ऐसे मिला देना है, ठीक है। और अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए बाजू बिल्कुल आडी नहीं कटिंग की है ना, लोग आडी कटिंग कर लेते हैं कि बाद में फैब्रिक नहीं था, ऐसे वैसे जैसे अच्छा लगता है, सुविधा होती है वैसे ही कर लेते हैं। परंतु कपड़े को अपने तरीके से कटिंग करें तो बहुत ही बेटर रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने जो आगे का शेप था वो यहाँ पे कटिंग कर लिया है। ये हो गया हमारे आगे के बाजू का शेप। और अब जो इसका एक्स्ट्रा पार्ट्स है उसको हम कट करके अलग कर देते हैं, ठीक है। अब हमें 4 इंच तैयार रखने, तो इतना आगे की फोल्डिंग को रख दो, ठीक है, और इतना ऊपर का सिलाई का चला जाएगा, इतना नीचे का चला जाएगा, लगभग 4.25 इंच आपकी बाजू की लेंथ रह जाती है, बिल्कुल बराबर है ना। इसी तरह से आप बाजू की कटिंग करें। और हाँ दोस्तों, आपसे एक शिकायत करूंगी मैं, क्योंकि बार बार कहते रहते हैं हम लोग कि आप हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, इसमें तो आपको कोई खर्चा ही नहीं लगता है, कोई भी आप वीडियो देख लेते हो फिर आप अपने काम में व्यस्त हो जाते हो। प्लीज़ आप वीडियो देखने के बाद उसको लाइक या डिसलाइक कीजिए, ताकि पता चले कि हमारी वीडियो कितनी आपके काम की है। नहीं तो हम लोग वीडियो को सुधार कैसे पाएंगे, उसको और अच्छा कैसे बनाएंगे। तो आप लाइक या डिसलाइक करने के हकदार हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब देखिए इतना हमारे पास फैब्रिक और पड़ा है, तो बिल्कुल अच्छे से हम अपनी कटोरी की कटिंग यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये लिया है कटोरी का वो पार्ट, जो फैब्रिक जो कि वेस्टेज निकला हुआ है, तो इसको भी हम उल्टा साइड कर लेते हैं, एक पार्ट्स को कटिंग कर लेंगे, उसके बाद में एक कटोरी को ऊपर रख के उसके ऊपर और फिर कटिंग कर लेंगे। तो क्या करना होगा, सबसे पहले इसका मिडिल सेंटर निकालेंगे। देखिए इस तरफ भी स्पेस चाहिए, इस तरफ भी स्पेस चाहिए और यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा स्पेस चाहिए। तो इसको हम थोड़ा सा आगे करके ये पॉइंट लगा देंगे, इसको हम थोड़ा सा ऊपर करके 1/2 इंच का ये पॉइंट लगा देंगे, ठीक है, सॉरी। तो अब यहाँ से मिडिल सेंटर निकालेंगे, ये हो गया 5.25 का मिडिल सेंटर, 2.5 से एक पॉइंट आगे ये हो गया मिडिल सेंटर। मिडिल सेंटर को हम लेंगे 1/2 इंच नीचे और यहाँ पे एक पॉइंट लगा देंगे। इस तरफ भी हम लेंगे 1/2 इंच पे एक पॉइंट लगा देंगे, इस तरफ भी हम 1/2 इंच आगे बढ़ाएंगे और एक पॉइंट लगा देंगे। ये 1/2 इंच पे हम कट लगा देते हैं, इस तरह से ये 1/2 इंच हो गया। अब इस पॉइंट्स को हमें इस पॉइंट्स में मिलाना है, थोड़ा थोड़ा कम करते हुए इस तरह से हम इसको इसमें मिला देंगे, बहुत ईजी है। इसी तरह से ये थोड़ा सा मैंने हल्का सा आगे लिया, बिल्कुल ज़्यादा बिल्कुल नहीं लेना है, वरना आपकी जो है ना गला उतरने की समस्याएं वो भी हो जाता है, क्योंकि ये नेक लाइन एक्स्ट्रा हो जाएगा, बढ़ जाएगा तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसको बिल्कुल हल्का सा आप देख सकते हो, एक नॉलेज होती है, एक आइडिया होती है, ज़्यादातर सारे काम सिलाई के आइडिया से होते हैं, नॉलेज से होते हैं। तो इस तरह से मैंने दोनों
पॉइंट्स को मिला दिया है परफेक्टली। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं और बिल्कुल बराबर में दूसरा पार्ट्स भी कटिंग कर लेंगे। बस ये इतना ही होता है, इसके अंदर सवा सवा इंच जो सिलाई का चाहिए वो एक्स्ट्रा बढ़ा लेते हैं और उससे आपकी कटोरी को स्पेस मिल जाता है, पफ बन जाता है। और इसका पफ भी हम आपको आसानी से बना करके दिखाएंगे। ठीक इसी तरह से हम अपना दूसरा कटोरी का पार्ट्स भी कटिंग कर लेते हैं। फैब्रिक के ऊपर रखेंगे, रखना कैसे होता है, उल्टे पे उल्टा या फिर उल्टे पे इस तरह से कटिंग कर रहे हैं तो इस पे इसको इस तरह से रख के कटिंग करना होता है। अगर एक साइड में कटिंग कर लेते हैं ना तो दिक्कत हो जाती है, दोनों कटोरी एक ही साइड की हो जाती है, फिर मुश्किल हो जाती है। तो इस तरह से हम इसको तिरछा रख करके कटिंग कर लेते हैं। तो आपने देखा मैंने इसको थोड़ा सा साइड में लगा करके कटिंग कर लिया बिल्कुल बराबर में, और इतना कपड़ा भी है हमारे पास में, इसे हम गले की पट्टी निकाल सकते हैं और इससे भी आप गले की पट्टी जो है वो निकाल सकते हो और ये दोनों आपके हुक और आई की पट्टी तैयार हो सकती है। तो ये इस कपड़े को हम बाद में काम में यूज में लेंगे। और इस तरह से हमने अपने सारे जो पार्ट्स है वो कटिंग कर लिए हैं, कटोरी का, बाजू का, बैक साइड का, और ये हमारे ये दोनों मोस्टली पार्ट है। देखिए ये हमारी यहाँ का है तो इसको हम जांच लेते हैं। हमारी कटोरी का पार्ट्स आप देख सकते हो, इस पार्ट से थोड़ा सा बड़ा रहना चाहिए हमेशा ही इस तरह से, ये देखिए। अब हम स्टिचिंग करते हैं, इसकी सिलाई स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले कटोरी का पार्ट्स लेंगे, इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। देखिए बराबर में होनी चाहिए यहाँ से दोनों पार्ट्स। अब आप देख रहे हो इस तरफ में थोड़े ऊपर नीचे हैं, तो सबसे पहले हम पार्ट्स को बिल्कुल बराबर करेंगे। बिल्कुल बराबर हमारे दोनों पार्ट्स। अब हम इसको इस तरह से जितनी आपको सिलाई लगानी हो, जैसे मैंने सवा इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया हुआ तो मैं ये सवा इंच की इस तरह से फोल्ड कर लेती हूँ। इस तरह से एक गढ़ लगा लिए हैं। अब आप देख सकते हो इसको, मैं आपको नाप करके बताती हूँ कि ये कितना मैंने फोल्ड किया है। तो आप यहाँ से देखिए ये हो गया है सवा इंच का यहाँ पे आता है और हमने इसको इतना ही फोल्ड किया है, ये देखिए बिल्कुल सही पॉइंट के ऊपर। तो इस तरह से स्टिच करेंगे हम। सबसे पहले ये वाली सिलाई लगा लेते हैं, अब हम आपको इसको खोल करके दिखाते हैं। ये हमारा मेन पार्ट्स होता है अहम, इसकी स्टिचिंग बहुत ही बढ़िया होनी चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए। तो अब आप देख सकते हो कितनी बढ़िया कटोरी का जो पार्ट्स है वो बन करके रेडी हुआ है। तो इसी तरह से दूसरा पार्ट्स भी स्टिच कर लेते हैं। तो पार्ट्स हमारे जो है वो इस तरह से आमने सामने के होनी चाहिए। दोनों कटोरी पार्ट्स स्टिच लेने के बाद में हम लगाएंगे ये तीरे वाला पार्ट्स। तीरे वाले पार्ट्स को यहाँ से हम नेकलाइन के पास से स्टिच करेंगे। यहाँ जो दोनों का जो क्रॉसिंग पॉइंट है ना, यहाँ से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। सिर्फ प्रत्येक सिलाई को हमें एक फिट का रखना है, एक फिट के अकॉर्डिंग हम सिलाई करते जाएंगे। तो ये मैंने एक पार्ट्स को स्टिच कर लिया है, अब हम इसको चेक कर लेते हैं। उसके बाद ठीक इसी तरह से दूसरे पार्ट्स को भी स्टिचिंग ले लेते हैं। तो आप देख सकते हो नेक लाइन बिल्कुल परफेक्ट है और हमारी कटोरी भी बिल्कुल से परफेक्ट है। दूसरा पार्ट्स तैयार कर लेते हैं। सामने वाला टक्स लगाने के लिए इस तरफ से दोनों पार्ट्स बराबर में रखेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा कट लगा लेंगे और फिर हम इस तरह से ये टक्स लगा लेंगे, ये यहाँ से। बहुत छोटा सा लगाना होता है, बस इतना सा ही। तो हमारे दोनों साइड में ये टक्स लग गया है। अब हम क्रोश पट्टी जॉइंट करते हैं। ये है हमारी क्रोश पट्टी के पार्ट्स और इसमें से हम एक वाला पार्ट्स लेंगे, इस साइड वाला, और इस तरह से इसकी स्टिचिंग ले लेंगे। इसको हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे और आप देख सकते हो लगभग हमारा जो पार्ट्स है वो बिल्कुल से बराबर लेंगे।
दोनों पार्ट्स में क्रॉस पट्टी लगाने के बाद हम इसके अंदर लगाएंगे एक साइड में हुक पट्टी और एक साइड में आई की पट्टी। तो ये हम एक पट्टी लेंगे, इसको इस तरह से बराबर में डबल फोल्ड कर लेंगे। और इसके बाद हम इसकी स्टिचिंग ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं हुक पट्टी लगा रही हूँ, सीधा सिलाई करेंगे, एक सिलाई ऊपर ऊपर निकालेंगे और फिर इसको अंदर की ओर फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पे हुक पट्टी तैयार हो जाती है। आई की पट्टी के लिए इस तरह से लेंगे और इसको हम एक सिलाई लगा देते हैं सिंगल में। तो मैंने एक साइड पे ये आई की पट्टी लगा दी है और एक साइड में इस तरह से हुक पट्टी लगा दी है। अब ये देखिए हमारा जो ब्लाउज है बिल्कुल से परफेक्ट है, आगे के पार्ट्स बिल्कुल ओके है, कटोरी का पार्ट्स, टक्स पॉइंट सारे बिल्कुल रेडी हैं। ठीक है, अब हम बैक साइड के पार्ट्स को जो दो टक्स हैं ये वाले टक्स लगा देंगे, फिर इसको शोल्डर्स के अंदर और इस पार्ट्स को हम जॉइंट कर लेंगे। तो शोल्डर में देखिए इस तरह से लगाए जाते हैं, आर्मोल की साइड में आर्मोल रखेंगे, नेक की तरफ पे एक नेक रखेंगे और इस तरह से पट्टी पे शोल्डर पे शोल्डर रख करके एक सिलाई लगा देंगे। शोल्डर्स की स्टिचिंग कर ली है, तो अब हम यहाँ पे बाजू जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पे हम एक बाजू लेंगे वन साइड की, तो आप देख सकते हो ये आगे की साइड है बाजू की, तो इसको हम आगे की साइड में लगाएंगे और बीच सेंटर को बीच सेंटर पे रखेंगे। इसके बाद बाजू के पार्ट्स को नीचे रखेंगे और सिलाई स्टार्ट कर देंगे। इस तरह आप बाजू को अच्छे से जॉइंट कर सकते हो। एक मिडिल सेंटर से पहले बैक साइड की तरफ स्टिच कर लें, उसके बाद में आगे की सिलाई कर लेंगे। तब देख सकते हो बिल्कुल बराबर में पार्ट्स हैं। तो ये एक बाजू ज्वाइंट हो गई है जिस तरह से, बैक साइड का पार्ट्स बैक साइड की ओर है, आगे का पार्ट्स आगे की ओर है। बाजू के आगे की फोल्डिंग कर लेते हैं, तो इसको इस तरह से धड़ लगा देंगे और एक सिलाई कर देंगे इस तरह से फोल्ड करके, इस तरह से। बाजू ज्वाइंट करने के बाद में ये साइड की एक सीधी सिलाई निकाल लेते हैं और अब हम नीचे की फोल्डिंग करेंगे। तो मैंने दोनों साइड में अब देख सकते हो ओन साइड पे एक सिलाई निकाल ली है। अब हम नीचे के पार्ट्स की फोल्डिंग करेंगे, जितना कि हमने रखा हुआ है मार्जिन इस तरह से, और एक सिलाई निकाल लेते हैं। नीचे की पट्टी फोल्ड करने के बाद में ये जो मार्जिन की साइड है जहाँ पे एक सिलाई निकाली हुई है, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देंगे। उसके बाद में इसको इस तरह से उल्टा करेंगे, इस तरह से उल्टा करके और मार्जिन की सिलाई निकालेंगे। मार्जिन की सिलाई हम यहाँ बाजू से लेकर के नीचे कमर तक लगाएंगे। जितनी कमर है कमर का फोर्थ पार्ट पे पॉइंट लगा लेंगे, जितना चेस्ट है उसके फोर्थ पार्ट पे पॉइंट लगा लेंगे और बाजू के जितने बॉटम्स हैं वहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे। बाजू पे 5.5 इंच, चेस्ट के अंदर 8.5 इंच, कमर में 7.5 इंच, तीनों पॉइंट्स को इस तरह से मिला लेंगे बिल्कुल सीधा। तो ये हमारी फिटिंग की लाइन हो गई है। अब इसके अंदर हम चाहे जितनी सिलाई निकाल सकते हैं,
तो आधा आधा इंच की दूरी से आप इस तरह से और सिलाई निकाल लें। जब भी आपके ब्लाउज टाइट हो तो आप उन्हें खोल सकते हैं। तो ये मैंने आधा इंच की दूरी से एक ड्रो कर दिया है और इसी तरह से एक ड्रो और कर लेते हैं। तो ये हम सिलाई निकाल लेते हैं। जैसे मैंने ड्रो किया ना, ठीक वैसे बिल्कुल बराबर में इसको स्टिचिंग ले लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने तीनों सिलाइयाँ निकाल ली है, 1, 2 और 3। और इसी तरह से जो दूसरी साइड है वहाँ पे भी हम मार्जिन की सिलाई निकाल लेते हैं। 3 सिलाई, आप 4 सिलाई भी निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो आप चाहे जितनी सिलाई मार्जिन साइड में निकाल सकते हैं, डायरेक्टली बाजू से लेकर के कमर तक। एक पट्टी को इस तरह रखेंगे, दूसरी को इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और इस तरह से हमें सिलाई करना है। जैसे मैंने लाइन लगा रही है, देखो यहाँ पे ये दोनों की क्रॉसिंग का पॉइंट है और यहाँ पे ये दोनों की क्रॉसिंग का पॉइंट है। तो इसको हम इस तरह से लगाएंगे और इस तरह से सिम कर देंगे। फिर इस पट्टी को इस तरह से रखेंगे, एक और पट्टी लेंगे और नॉर्मली में इस तरह से स्टिचिंग करते जाएंगे। वो एक सिलाई मैंने आपको ड्रॉ करके बता दी है, बाकी हम डायरेक्टली ऐसे भी इसकी स्टिचिंग ले सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है, जैसे ये इस तरह से जॉइंट नहीं होगी, इसके लिए हमें इसकी अपोजिट साइड की ही पट्टी चाहिए होगी। तो जैसे ये है ना इसका पार्ट्स, इसको इस तरह से कट कर लेते हैं और ये इस तरह से रख के स्टिच हो जाएगी। तो इस तरह से नेक लाइन तैयार कर सकते हैं इजीली से। फिर इसके अंदर इस पार्ट्स को ऐसे रखेंगे और फिर ऐसे जॉइंट कर लेंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से ये जो पट्टियाँ हैं वो जॉइंट होती है। देखिए सबसे पहले इसी को देख लेते हैं, ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट है इसी तरह से। बस ये जो सिलाई, ये जो कॉर्नर है ना, ये देखिए ये जो इसका तिरछापन है ना, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक जहाँ पे दोनों बराबर में हो पट्टियाँ, यहाँ पे ये दोनों बराबर है, यहाँ पे ये दोनों बराबर है, यहाँ से ये पीछे है, यहाँ से ये आगे है, तो जहाँ पे दोनों बराबर होती है ना पट्टियाँ, वहाँ पे सिलाई लग जाती है। तो इस तरह से बराबर में सिलाई आ जाती है। अब ये मैंने तैयार कर ली है इस तरह से पट्टियाँ जॉइंट करके। अब इसको हम इसके ऊपर रखेंगे नेक लाइन पे, थोड़ा सा आगे रखेंगे और एक सिलाई लेकर लेंगे। ना हमें इसको खींच के लेना है और ना ही ढीला छोड़ना है बिल्कुल भी। बराबर में जैसे नेक लाइन चल रही है वैसे इसको इस तरह से बराबर, क्योंकि ये उरेप है तो जैसे आप इसको जिस साइड में मोड़ेंगे उस साइड में ये पट्टी मुड़ती जाएगी। आप देख सकते हो गोलाई है तो वहाँ पे गोलाई में मुड़ जाएगी, तो इस तरह से ये ऑटोमेटिक मुड़ती जाते हैं। तो इस तरह से हम इसको ऊपर रख के सीधी सीधी एक सिलाई निकाल देनी है। तो इस तरह से मैंने एक स्टिचिंग ले ली है पूरी नेकलाइन पे पट्टी की, और जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसको अब हम कट कर देंगे यहाँ पे। तो एक्स्ट्रा पट्टी को मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते हुए कट कर देती हूँ। इसके बाद हम फिर एक सिलाई और लगाएंगे इसके ऊपर ऊपर, ठीक है। उसके बाद में हम इसको ऐसे आगे से फोल्ड करेंगे, ऐसे करके एक सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद जो नीचे एक्स्ट्रा होगा उसको कट कर देंगे, इसके बाद इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे। अगर हम तुरपाई रख रहे हैं कि पूरी की पूरी फोल्ड कर देंगे। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे आपको पाइपिंग लगाना है तो आप देखिए इस तरह से फोल्ड कीजिए। फोल्ड करने के बाद इसको इस तरह से फोल्ड कर लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी बारीक और सुंदर सी आपको पाइपिंग मिलेगी, और इस तरफ आप देखिए इस तरह से ये फोल्ड हो जाएगी। तो एक सिलाई बिल्कुल आपको यहाँ पाइपिंग के पास पास में निकालनी है, तो ये ऑटोमेटिक आपके यहाँ पे बिल्कुल बारीक वाली पाइपिंग बन जाएगी। या फिर आप इसको कच्चे सुई से पहले इस तरह से फोल्ड करके सुई से कच्चा कर लीजिए, फिर आप इसके बिल्कुल पाइपिंग के पास पास में सिलाई निकाल लीजिए। तो जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे आप बनाएं।
और आज की वीडियो हमारी पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सीखने वाले लोगों तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू।